जब कभी किसी को गुस्सा आ रहा हो तो उस समय दौड़कर छत पर चला जाए या दूर किसी कोने में चला जाए और जोर जोर से चीखे, गला फाड़ फाड़ कर चीखे, गाली दे, जो जो शब्द मुंह में आ रहे हों वो बोल दे। ऐसे खुले आकाश में या किसी खाली जगह में चिल्लाएंगे तो थोड़ी ही देर में आपको लगेगा कि क्या मैं पागल हूँ, यह मैं क्या कर रहा हूँ। जब बोलकर चिल्लाकर थक जाओगे तो उस समय अगर लगे कि अभी भी कुछ गुस्सा भीतर बाकी है तो फिर कुछ शारीरिक मेहनत करें, जैसे झाड़ू ही लगा ले। वैसे गुस्से वाला आदमी जब झाड़ू लगाए तो वह बहुत बढ़िया लगाता है। उस समय कपड़े धो ले, क्योंकि बंदे को पीटने के बजाय कपड़े को पीट ले। कभी गुस्सा आया हो तो कपड़े धोकर देखिएगा, एक तो हाथों की एक्सरसाइज भी बढ़िया होती है और कपड़े भी बहुत बढ़िया धुलते हैं। और कोई काम करने को ना हो तो बर्तन ही मांज लेना, ताकि हमारा मन जो है वह शांत हो जाए। हमारा जो गुस्सा है वह मन से ही शुरू होता है और मन पर ही खत्म होता है। किसी का भी चेहरा देखने पर पता लग जाता है कि यह आदमी गुस्से में है या खुश है। तो शरीर तक पहुंच चुके गुस्से को शरीर से ही बाहर निकालना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। जब शारीरिक मेहनत करेंगे तो गुस्सा भी कम हो जाएगा और दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। उसके बाद अगर समय हो तो फिर एकांत में बैठकर उस पूरी स्थिति पर एक बार नजर दौड़ाएं और बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें, क्योंकि अक्सर हम अपनी बात को ज्यादा महत्व देते हैं। जब भी किसी से लड़ाई होती है तो अपने को दोष न देकर दूसरे को ही दोष देते हैं कि हमारी तो कोई गलती ही नहीं है, सारी गलती दूसरे पर मढ़ देते हैं। आप कभी भी यह नहीं कहोगे कि गलती मेरी है, क्योंकि अहंकार आड़े आता है। तो एकांत में बैठकर उस स्थिति को निष्पक्ष भाव से विचार करें कि गलती मेरी भी है। गुस्सा तनाव जब खत्म हो जाए तब आप सोचोगे कि मैंने बेकार ही इतना समय खराब किया। कई इंसान जब चलते हैं तो लगता है कि जमीन को पीट रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनका गुस्सा उनके पैरों में आ गया है। ऐसे गुस्से वाले इंसान को वह चाहे मीठा ही बोल रहा हो, वह कुछ भी करे, जैसे दरवाजा खोलेगा तो ऐसे खोलेगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे उखाड़ कर अभी फेंक देगा। उसके दरवाजा खोलने में भी दिखता है कि यह इंसान हिंसक है। हिंसा सिर्फ मारपीट करने पर ही नहीं दिखती, गुस्सा आपके उठने बैठने, खाने पीने, बोलने तक में दिखता है। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखें कि जिसने अपने अंदर गुस्से को दबाया हुआ है, ऐसा इंसान जब खाना भी खाता है तो ऐसे लगता है जैसे खाने को दांतों से फूट रहा हो। जैसे कुत्ते को गुस्सा आ जाए तो वह बहुत जोर से काटता है। गुस्से वाला इंसान अगर गाजर खा रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी की गर्दन काट रहा हो। इसके विपरीत अगर हम फ्रस्ट्रेशन न बनने दें और उसको बाहर निकाल दें तो हम हल्के हो जाते हैं। मेरी नज़र में हम अगर परेशान ना होना चाहे तो हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। मन कई रंगों में रंगा रहता है, उसमें से एक रंग है उदासी। तो कभी मन उदास हो जाए तो उस उदासी में भी यही होता है, उदासी पूरे शरीर में आ जाती है। उस समय अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम में मन नहीं लगेगा, मन होगा कि चुपचाप रहो या कुछ काम जैसे झाड़ू लगाए, या कोई शारीरिक कार्य कर रहे हो तो गाएं, और गाते गाते रोना आ जाएगा। जब गाकर रोकर थक जाओगे तब तक अकल का दीपक भी जल जाता है, फिर लगता है कि ऐसे ही समय खराब कर दिया। अपने आप को हमें ऐसा बनाना चाहिए कि कोई भी कड़वा व्यवहार हो उसे हम पी जाए। जैसे कुंग फू में सामने वाला कोई वार करता है, हमलावर मुक्का मार रहा है या जोर से लात मार रहा है, और कुंग फू का जो एक्सपर्ट है वह अपने शरीर को इतना नरम बना लेता है कि उसके वार को वह पी जाता है, इसी कारण उसको चोट नहीं लगती। इसलिए अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं रखनी चाहिए, अगर आ जाए तो तरीके से उसे निकाल देना चाहिए। उदास रहने में कुछ हासिल नहीं होगा, गुस्से में रहने में कुछ हासिल नहीं होगा, रोने से कुछ हासिल नहीं होता। तो जब कुछ हासिल ही नहीं होना तो ऐसे काम में अपना समय क्यों बर्बाद करें। गुस्सा आए तो निकालो, पर कहां, दीवार पर निकाल दो, दीवार आपसे कुछ बोलेगी नहीं। आसमान पर निकाल दो, वह आपको अच्छा या बुरा कुछ नहीं कहेगा। मन खाली है, जो डालते हैं वह पी जाता है। अपने अंदर गुस्सा नहीं रखना चाहिए, अपने गुस्से को कहां निकालना है यह भी देखना पड़ेगा। रसोई में जाकर प्लेट को जोर से पटक दिया, भाई ये क्यों किया, तो कहोगी कि गुरुजी ने कहा था कि गुस्सा बाहर निकाल दो। गिलास जोर से फेंक दिया तो अपने ही जूते ही जोर से फेंक दिए, अरे भाई जूते ने तेरा क्या बिगाड़ा है, जूता टूट जाएगा तो तेरे को क्या फायदा होगा।
अच्छा यह है कि पेड़ पर निकालो, आसमान पर निकालो, वह तुम्हें पलटकर कुछ नहीं कहेंगे। कभी उदास हो जाओ और सोचो कि मेरा कोई नहीं है। अरे पेड़ है, खुली छत है, आसमान है, किसी पेड़ से ही लिपट जाओ। इनमें इतनी ऊर्जा होती है कि रोज इसके पत्ते मर जाते हैं, रोज नए पत्ते पैदा हो जाते हैं। कितनी एनर्जी होती है इन पेड़ों में। पेड़ों को गले लगाओ, पेड़ को अपना मित्र मान लो। अब आप कहोगे कि हम पेड़ से गले लग रहे हैं, अगर कोई देखेगा तो हमें पागल ही कहेगा। अरे कह ही लेगा, और क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जब इनको समझाएंगे कि हम क्या कर रहे थे, तब तो वह आपको बहुत बुद्धिमान ही कहेगा कि बहुत सयाने आदमी हो। एक नियम बना लीजिए, कुछ भी काम बिगड़ जाए, खराब से खराब बात हो जाए, नियम नंबर एक, गुस्सा नहीं करना। कोई चीज बिगड़ गई है या कोई आदमी हमसे नाराज हो गया है तो उसको हम राजी कर सकते हैं, पर खामखा मैं अपना मूड क्यों खराब करना, क्योंकि मन बेचारा तो वैसे ही नाराज रहने को तैयार रहता है। कोई छेड़े तो फिर देखो। हम लोग तैयार हैं उदास होने को, गुस्सा करने को, चिढ़ने को, और फिर जिस पर हमारा बस चले उस पर गुस्सा निकाल भी देते हैं। मुझे लगता है एक दूसरे से पूछ लेना चाहिए कि भाई मेरे से कोई गलती हुई है तो बता दो, या जाने अनजाने में मैंने तुम्हें कुछ कह दिया हो तो बता देना, पर अपने मन में न रखो। हम पूछते नहीं हैं, उल्टे अपने मन में गांठ बना लेते हैं कि बच्चों देख लेंगे तुम्हें। इसको कहते हैं क्षत्रिय। ब्राह्मण कौन है जो मन में गुस्से की गांठ नहीं रखता? वह बहुत ही ठंडे दिमाग से हर बात को समझता है, फिर भी अगर गुस्सा आ जाए तो माफी मांग ले और छत पर या एकांत में जाकर चीख चिल्लाकर अपने आप को खाली कर ले, या कोई मेहनत का काम करके अपने आप को खाली कर ले।